आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, प्रश्न है आपका। पूजा एक काम करने में चारों से 3 गुना ज्यादा और बाणों से 2 गुना वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम खत्म कर सकती है। बाणों को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 8 घंटे, दूसरा विकल्प है 5 घंटे, तीसरा विकल्प है 6 घंटे और चौथा विकल्प है 7 घंटे। ठीक है, तो हम इनका 1 घंटे का कार्य मान लेते हैं। चारों का 1 घंटे का कार्य हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि पूजा एक काम करने में चारों से 3 गुना ज्यादा समय लेती है। यानी कि पूजा का काम कितना हो जाएगा? 3 गुना ज्यादा, मतलब 3 और 1 4, मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, और इसी प्रकार बानों से 2 गुना वक्त लेती है पूजा। यानी कि बानों का समय कितना होगा? बानों का आधा समय होगा, तभी बानों का 2 गुना वक्त हो जाएगा पूजा का। ठीक है, तो हमें ये 1 घंटे का कार्य प्राप्त हो गया। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम खत्म हो जाता है। यानी कि तीनों का 1 घंटे का कुल कार्य कितना होगा? ये होगा 1 + 4 + 2, यानी कि 7 कार्य होगा 1 घंटे का। तो 2 घंटे में वे कार्य समाप्त कर देती, मतलब कुल कार्य हो जाएगा यहाँ से, कुल कार्य बराबर 7 × 2 यानी कि 14। ठीक है, तो हमें निकालना है बानों को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा। तो कुल कार्य 14 बटे, बानो 1 घंटे में करती है 2 कार्य, तो बटे आ जाएगा 2, बराबर हो जाएगा यहाँ से 7 घंटे। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 ही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।